The teaching at Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked the doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Good afternoon, all of you. Kaise hain aap sab log? Welcome back to Online Paathshala. Today is the last lecture of Ray Optics and today we are going to finish our Optical Instruments. So, aaj hum karne wale hain Compound Microscope and Astronomical Telescope aur ye hoga hamara last topic is pure chapter ka. So, end tak dekhna session bahut important hone wala hai kyunki in topics se numerical aate hain aapke NEET examination mein. तो कैसे हैं आप सब लोग? After a long time I am seeing you it seems. How are you all? Hi Prabhat. Hello Sadhna. Hi Khushi. Hello Manisha, Alisha. Great to see you all. Hello Deep. Hi Pratiksha. Good, good. बढ़िया. So again I'll take the energy from your chat box. है ना? तो chat box में active रहिएगा. Let's finish this chapter today. तो सबसे पहले तो अगर आपने Telegram group को join नहीं किया है, then this is the link. Please join the Telegram group. It will help you a lot in your preparation. सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको यहां पे मिल जाते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी क्लास. आई एम गुड प्रतीक्षा. आल्सो वेदांतु नीट मेड इजी चैनल जो है हमारा देश का नंबर वन चैनल बन चुका है नीट के लिए. सब्सक्राइब कर लेना इसे, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आल्सो हिट द लाइक बटन. अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसको अभी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब बटन दबा देना, आल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम पे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. तो आप थोड़ा याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था. लास्ट क्लास में आई हैव टॉट यू द ह्यूमन आई, उसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंड हाउ टू करेक्ट दोज डिफेक्ट्स. और सबसे अच्छी बात, हमने उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे, राइट? सो दीज ऑल वी हैव डन. ऑल्सो आई टॉट यू सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं होता है, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे हमने बहुत सारे पेपर जलाए हैं अपने स्कूल में, है ना? हर किसी ने जलाया है ऑब्वियसली. तो इसका हमने देखा था कि इसमें मैग्नीफाइंग पावर इसकी कितनी होती है. इसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे. मैंने आपको बताया था कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दो कंडीशंस होती है. जो ह्यूमन आई होती है वो दो चीजों को देखने में कैपेबल है. अगर आपकी हेल्दी ह्यूमन आई है तो आप ऑब्जेक्ट्स का इमेज देख सकते हैं अगर वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होता है, विच इज अ रिलेटिव टर्म, काफी दूर. ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अगर वो डी और इनफाइनाइट के बीच में है, जहां पे डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर. यानी कि कोई चीज अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो मैं उसको आसानी से देख पाऊंगा. थोड़ी सी दिक्कत होगी बट यस आई विल बी एबल टू सी दैट. If you bring the object closer to 25, तो आपको देखना मुश्किल होगा. Also, अगर वो infinite तक भी है तो भी आप देख पाएंगे. तो D से infinite तक आपको दिखाई देता है. And these are the two limiting cases. ये सबको याद आया क्या? If you're not Gajani, इतना याद है क्या सभी को, है ना? तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि D और infinite दो limiting cases होते हैं. ठीक है, तो इसमें मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप अगर समझ में आएगा तो ही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ पाएंगे. ठीक है, कुछ लोग आंसर भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. हेलो स्नेहा. अच्छा देखिए, अब ध्यान से एक बार इसका फॉर्मूला क्या था. यहां पे हमने देखे थे दो केसेस. जब एक बार फॉर्मेशन होता है इनफाइनाइट पे, है ना, उसको हम बोलते हैं हमारा व्हेन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इज देयर. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे हो. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. यहां पे आईज जो है सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, तो आईज में बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं आता है व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट. बट अगर इमेज फॉर्मेशन आप डी में लेते हैं, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट जो होता है डिस्टिंक्ट विजन का, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेन आता है. तो अगर रिलैक्स्ड विजन लिखा है आपके क्वेश्चन में तो आप समझ जाएंगे कि वो इनफाइनाइट पॉइंट की बात कर रहा है. उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं बच्चों. ठीक है, चलिए ये सब फॉर्मूले मैंने आपको बताया था. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इस फॉर्मूले से हम लोग देते हैं. और इमेज अगर फार पॉइंट पे फॉर्म होती है, इनफाइनाइट पे अगर फॉर्म होती है, तो ये फॉर्मूला होता है
m इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई f, और अगर इमेज d पे फॉर्म करते हैं यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए, और यहां पे मैंने आपको क्या समझाया था, सिंपल सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है सिर्फ एक ऐसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा लेंस यूज किया, उस लेंस ने ऑब्जेक्ट की साइज को मैग्नीफाई कर दिया, और ये केस हम पहले ही देख चुके थे व्हेन वी डिस्कस्ड इमेज फॉर्मेशन के केसेस इन केस ऑफ लेंस, है ना। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है, नो प्रॉब्लम इन दिस, है ना, स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, एंड दिस वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास आल्सो। अब आ जाते हैं हमारा जो छोटा सा प्यारा सा दूसरा वाला माइक्रोस्कोप है, विच इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पे, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझना इसको। ये डायग्राम है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। मैं आपको बताऊंगा क्यों यहां पे दो लेंस होते हैं, क्या यूज है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। बट एक बार याद करो, मतलब जब आप लैब में जाते होंगे स्कूल में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो होते ही हैं, एटलीस्ट वो ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट तो सारे स्कूल में कराते हैं ना। ऑनियन पील को एक स्लाइड में प्रिपेयर करो, फिर एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखो, है ना, फिर उसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। ऑब्वियसली हमें कन्वर्ज कराना होता है ना लेंस को, है ना, कन्वर्ज कराना होता है रेस को, इसलिए प्रतीक्षा, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको मिलता है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्केव लिया तो रियल इमेज मिलती है, जिसके लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, प्रतीक्षा, ठीक है। तो आप एक बार इमेज फॉर्मेशन के केसेस जब पढ़ोगे पूरा, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये माइक्रोस्कोप वो वाला माइक्रोस्कोप है जो आपके स्कूल में होता है ना, ऐसा कुछ आप डायग्राम वाइग्राम भी उसका बनाते हैं, अगर आपको याद होगा ऐसे, बचपन में मुझे भी याद आ रहा है ऐसा कुछ डायग्राम हम लोग बनाते थे, है ना। सो दिस इज नोन एज दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। खैर, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस कहलाता है आई पीस और एक लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव। अब ये जो आई पीस वाला लेंस होता है, यहीं पे आप ऐसे आंखों को करके देखते हो, राइट, तो ये कहलाता है आई पीस, जो आंखों के पास होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप कभी यूज किया है तो उसमें नॉब्स होते हैं ना, ऐसे रोटेट कराते हैं आप, राइट, तो आप आई पीस को भी मूव कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव को भी मूव कर सकते हो। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखा होगा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये रहा हमारा आई पीस वाला लेंस। अगर आप दोनों की साइज देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है वो स्मॉलर है आई पीस के अपर्चर से। ऑल्सो जो फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का, ये भी काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है वेरी स्मॉल अपर्चर है उसके पास, और बहुत स्मॉल फोकल लेंथ भी है उसके पास। अब देखिएगा ध्यान से, रे डायग्राम वगैरह हम कैसे बनाएंगे, तो हमें तो देखना है ऑब्जेक्ट को, उसकी मैग्नीफाइड इमेज देखनी है। ऑब्जेक्ट के पास यहां पे हमने रख दिया एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, जिसका डिस्टेंस इस ऑब्जेक्टिव लेंस से यू ओ है। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें बचपन से पता है। ओ सफिक्स का मतलब है ऑब्जेक्टिव के लिए वो ऑब्जेक्ट है ना, यहां का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, यू ओ डिस्टेंस पे हमने रख दिया उसे, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं यू ओ को, थोड़ा सा फोकल लेंथ से ज्यादा होता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कैसे होगा, कैसे रिफॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। यहां से एक रे ऐसे पैरेलल आएगी, जो पैरेलल रे आती है वो बच्चों फोकस से होके गुजरती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये ऐसे फोकस से होके गुजर गई। दूसरी रे आप यहां से इमेजिन कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे जाती है तो बच्चों वो डायरेक्ट निकल जाती है सेम डायरेक्शन में, अनडेविएटेड। यहां पे जाके वो करेंगे इंटरसेक्ट, यानी कि इस पॉइंट का इमेज आपको यहां पे मिल गया। थोड़ा सा मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, देखिए ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और ये उससे बड़ी इसकी इमेज मिल गई, है ना। तो पहले रिफ्रैक्शन से, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में जो रिफ्रैक्शन हुआ, वहां से आपको ऑलरेडी थोड़ा सा मैग्निफिकेशन मिल गया है। अब जब आई पीस में सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये फायदा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला याद करेंगे एम का, तो एम का फॉर्मूला था डी अपॉन एफ, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट लिया तो। अगर मैंने सोचा कि मैं सिंपल माइक्रोस्कोप लेके ढेर सारा मैग्निफिकेशन लेना चाहता हूं उससे, तो जितना मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना होगा उतना ही मुझे फोकल लेंथ कम करना होगा।
अब ऐसा तो नहीं है कि आप फोकल लेंथ बहुत कम कर पाएंगे किसी भी लेंस का, क्योंकि एक लिमिट होती है। जैसे जैसे आप फोकल लेंथ बहुत कम कर देंगे, इमेज आपकी ब्लरी होती जाती है, साइज ऑफ द लेंस छोटा होता जाता है। तो एक लिमिट है सिंपल माइक्रोस्कोप में। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ काफी कम करना पड़ेगा, जिसमें एक लिमिट है। तो मैं बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं ले सकता, सिंपल माइक्रोस्कोप से ब्लर इमेज मिलेगी और आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फायदा कैसे होता है। यहां पे एक सीक्रेट ये है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने का तरीका ये है कि एक्चुअली आप ऐसे समझो कि ये जो आई पीस है ना बच्चों, ये जो आई पीस है, ध्यान से सुनना, ये जो आई पीस है ये असल में एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो यहां पे एडवांटेज क्या होता है, ये जो आई पीस होता है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करता है। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ एडवांटेज ये है कि एक लेंस और है यहां पे जो पहले ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा मैग्निफाई कर चुका है। इस ऑब्जेक्ट को पहले ही एक बार मैग्निफाई कर लिया गया है, एक मैग्निफिकेशन हो चुका है। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है यानी कि आईपीस है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कंसेप्ट हमने पहले भी सीखा हुआ है कि पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये जो इमेज मिली है आपको एच डैश हाइट की, वो ऑब्जेक्ट है इस आईपीस के लिए, और आईपीस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। और एडवांटेज देखो, ब्यूटीफुल एडवांटेज ये है कि अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप के पास ऑलरेडी एक मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ये भी अपना मैग्निफिकेशन लगाएगा उसमें और आपको जो फाइनल मैग्निफिकेशन मिलेगा वो काफी अच्छा मिल जाएगा एज कंपेयर्ड टू दैट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये फायदा है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, है ना। अब एक बार जल्दी से रे डायग्राम्स को हम लोग फिनिश कर लेते हैं। ये जो रेज ऐसे आ रही थी बच्चों, ये जाके यहां से टकराएंगी इस लेंस से, यहां से फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये आईज के पास चली जाएंगी, ऑब्जर्वर के पास, है ना। वैसे ये आईज काफी क्लोज होती हैं, यहां पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा दिखाया है, जबकि अगर आप देखोगे तो आप आईपीस के जस्ट ऊपर ऐसे आंखों को रखते हो, राइट। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या क्या समझ में आया। पहला मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव ने करा के दिया है, दूसरा मैग्निफिकेशन आपको आईपीस लेंस करा के देगा, विच इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एडवांटेज इस सिंपल माइक्रोस्कोप के पास ये है कि इसको एक मैग्निफिकेशन ऑलरेडी मिल जाता है, इसके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। चलिए और क्या क्या यहां पे पैरामीटर्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखो तो ये हमारा यूओ था, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये FO है यानी कि इसका फोकल लेंथ। अब ये जो इमेज बनी है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, VO। इसका मतलब समझना, VO का मतलब क्या है, इसका मतलब है इस लेंस ने इमेज कहां पे फॉर्म करके दिया, उस इमेज का डिस्टेंस होता है V। किसने बनाया इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, तो सफिक्स आ जाएगा O, देखिए, है ना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जहां पे इमेज फॉर्म हुआ दैट इज VO, इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव ने। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। अगर ये ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए होता है U, आईपीस के लिए सफिक्स हो जाएगा E, तो आपका आंसर आएगा, मतलब आप लिखेंगे उसको UE। देखिए UE समझ में आया क्या सभी को, VO समझ में आ गया क्या, है ना। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस VO है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस UE है, है ना, बहुत बढ़िया। और एक और चीज यहां पे होती है छोटी सी बात, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होता है ना, यानी कि आईपीस से ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं L, और L को प्यार से लिखा जाता है ट्यूब लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है L, L इज द ट्यूब लेंथ। अब अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से अपने माइक्रोस्कोप को, तो असल में उसमें ना अंदर स्क्रू होता है, स्क्रू का मैकेनिज्म होता है। तो जब आप नॉब को रोटेट करते हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे चेंज होता जाता है, तो वो लेंथ जो होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का, उसे हम कहते हैं ट्यूब लेंथ, दैट इज L, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे भी बच्चों दो कंडीशंस होंगे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो कंडीशंस थे कि या तो मैं इमेज फॉर्म कराऊंगा इनफाइनाइट पे, या तो मैं इमेज फॉर्म कराऊंगा डी पे,
क्योंकि वो दोनों इमेजेस ही मुझे क्लियरली दिखाई देंगी। तो ये चीज आप ना माइक्रोस्कोप में चेक भी कर सकते हो, जब आप नॉब को रोटेट करते हो आपको एक इमेज मिलेगी मस्त पास में, जिसमें आपको काफी थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा आंखों में, थोड़ा सा और रोटेट करो लास्ट तक भी एक इमेज मिलेगी। तो एक रेंज होता है इमेज का, तो वो होता है डी पे और इनफाइनाइट पे। तो दोनों केसेस का हमें मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्टली, वो मैं भी आपको करा दूंगा आफ्टर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो नियर पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट का मैग्निफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। वर्किंग हम सभी को समझ में आ गई है ना, बहुत आसान था इसका वर्किंग, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही है लेकिन इसमें एक और मैग्निफिकेशन का स्टेज जुड़ चुका है ना, इजी कंसेप्ट, एग्जैक्टली कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन हमें मिलता है जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होनी चाहिए, और इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आईज काफी रिलैक्स्ड होती है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा हुआ है तो एंगल ज्यादा फॉर्म करना होता है आईज को, दूर में रखा है आसानी से आप देख सकते हैं, रिलैक्स होती है आईज, है ना। तो ये रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं इसको, रिलैक्स्ड आई वाली सिचुएशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट, और ये वाला केस है जब आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना। LDDV बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, D लिख लो, एट D फॉर्म हो रहा है ऐसा लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, दिख रहा है, अप्रोक्सीमेशन है इस फॉर्मूले में। अब यहीं पे एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला याद रखते हैं या फिर आपको पीछे की बात भी पता है। तो मैं आपको इसके पीछे की बात भी बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, मैं बताऊंगा क्या अप्रोक्सीमेशन है, आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेशन व्हाट यू गेट एज मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट इज माइनस एल अपॉन एफ नॉट। L क्या है बच्चों, ट्यूब लेंथ, FO क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, दो लेंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। D आपको पता है 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। FE क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला भी देख लो, कुछ लोग पूछ रहे हैं माइनस क्यों आया, मैं समझाऊंगा, माइनस एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई। अब देखो ये मैग्निफिकेशन है, इसमें माइनस आपको इसलिए दिख रहा है बच्चों क्योंकि अगर आप इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड है। तो जब भी इन्वर्टेड इमेज मिलती है, अगर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में, प्लस वाई में है, अगर इमेज माइनस वाई में है, तो हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो इन्वर्टेड इमेज के केस में आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलती है, इसलिए ऐसा है वहां पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं ये जो अप्रोक्सीमेशन आया है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। एक्चुअली जो रियल फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, अगर आप ये वाला केस लेते हैं तो इसका जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको फील करा के दूंगा, देखना बहुत अच्छे से फील होगा आपको, देखो ध्यान से। असल में जो मैग्निफिकेशन है, यहां पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दोगे, इसलिए फोकस करना सब लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस करना, इस फॉर्मूला को फील करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखो VO अपॉन UO, अब याद करो, थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालो, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने किसी भी लेंस के लिए पढ़ा है, किसी भी लेंस के लिए पढ़ा है, वो क्या है, सबसे सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं आपको, सबसे सिंपल फॉर्मूला है लेंस में मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई यू। सबने पढ़ा है क्या, वी डिवाइडेड बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी अपॉन यू। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन निकालें, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या यही आएगा क्या आंसर, माइनस आएगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है ना, माइनस आएगा क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। तो ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट कहलाता है मैग्निफिकेशन गिवन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। दो लेंस हैं यहां पे, पहले वाले लेंस ने इतना मैग्निफिकेशन दिया है आपको,
V upon U, देखो V object upon U objective, right? चलिए उसके बाद दूसरा लेंस कौन सा लेंस है? दूसरा लेंस है आपका आई पीस, और आई पीस को हमने सिंपल माइक्रोस्कोप माना है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का यही तो था, अभी अभी तो देखा है पिछले वाले केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट डी बाई एफ, और यहां पे क्योंकि वो माइक्रोस्कोप आई पीस है तो डी बाई एफ ही, इतना आसान। अब मैंने आपको याद करने का तरीका भी दे दिया है ना, इससे आसान क्या हो सकता है। दो टाइप का मैग्निफिकेशन है यहां पे, पहला मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की वजह से मल्टीप्लाइड बाई, दूसरा मैग्निफिकेशन है आई पीस की वजह से। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, आई पीस जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ ई। इतनी क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल है आपको, उसका गोल्ड मिल रहा है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बुक आप 25 बार भी पढ़ोगे तो ये क्लैरिटी आपको नहीं आने वाली है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, सेकेंड वाला भी समझ लेते हैं। सेकेंड वाले केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी कि इस वाले केस में जो जनरल फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं वो होता है m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, अगेन ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू, क्योंकि यहां पे d पे इमेज फॉर्म होनी है तो आई पीस जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, है ना, ये सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है इसका, समझ आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस अप्रोक्सीमेशन की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, है ना। अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले को, तो यहां जो भी चीज लिखी हुई है ना वो एक फिजिकल पैरामीटर है। कैसे फिजिकल पैरामीटर है? एल ट्यूब लेंथ स्केल लो मेजर कर लो, एफ ओ आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस आपने लगाया है आपको पता है, एफ ई भी आपको पता है, डी की वैल्यू बचपन से पता है। यहां पे जितने भी पैरामीटर्स हैं सब फिजिकल पैरामीटर्स हैं, बट अगर बेसिक फॉर्मूला की बात की जाए तो यहां पे यू ओ है फिर वी ओ है, मतलब अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत पड़ गई और मैंने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो मुझे पता करना पड़ेगा अच्छा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, फिर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ यूज करूंगा, वहां से मैं इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा फिर यहां पे रखूंगा, काम लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए एक अप्रोक्सीमेशन किया गया था, उस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला लिख पाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला जो पूछा जाता है आपसे वो यही है, बट कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि अगर वी ओ अपॉन एफ ओ इसकी वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन वन है, थोड़ा ज्यादा है वन से, है ना, वन से अगर काफी ज्यादा है तब जाके आप ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का क्या कंडीशन बताया मैंने आपको, अगर रेशियो ऑफ वी ओ अपॉन एफ ओ इज ग्रेटर ग्रेटर देन वन तब आप इसको यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखो एक बार ध्यान से स्लाइड को, सब कुछ समझने की कोशिश करो, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बेसिक फॉर्मूला है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये बेसिक फॉर्मूला है जब इमेज डी पे फॉर्म होता है, बट वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले हैं। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशन है वी ओ अपॉन एफ ओ शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन वन, समझ आया है ना, पूरी फील आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है राइट मैग्निफिकेशन का जब इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होती है। एक और फॉर्मूला है बस लास्ट, उसके बाद माइक्रोस्कोप खत्म। एक लास्ट फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है ये वाला, देखो बहुत आसान है वैसे, ये आ वहीं से रहा है। देखो जब आप इनफाइनाइट वाले केस में मैग्निफिकेशन निकालते थे तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी डिवाइडेड बाई एफ ई, है ना। इसी में एल के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला होता है और ये कई बार आपको हेल्प करेगा क्योंकि कई बार आपसे ट्यूब लेंथ पूछते हैं वो, ठीक है। कितने फॉर्मूले बताए मैंने, देखो 5 फॉर्मूले हैं टोटल। ऐसा भी नहीं है कि डिफिकल्ट है याद करना, ये फॉर्मूला आप लॉजिक से याद कर सकते हो, है ना, मैंने आपको लॉजिक भी बताया। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इंटू आई पीस का मैग्निफिकेशन, खत्म। दूसरा फॉर्मूला इसका अप्रोक्सीमेशन, यहां पे एल अपॉन एफ ओ लिखना है, खत्म।
उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये भी इनफाइनाइट के केस में ही है, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला एल के टर्म्स में है। ये दोनों फॉर्मूले भाई भाई हैं, है ना, ये इसी से आया है लेकिन एल के टर्म्स में आया है। बस इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। L इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है, ट्यूब लेंथ जब इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होती है तब का ट्यूब लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो L माइनस एफ ओ माइनस एफ ई अपॉन एफ ओ एफ ई इंटू डी ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? क्या सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज हो गए एक बार ढंग से, है ना? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अब है हमारा जॉब क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो ट्राई करते हैं। देखो द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज गिवन। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, आई पीस का आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द रिलैक्स्ड आई। एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक वर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स्ड आई की बात कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कहां पे आप बनना है आपका इमेज, है ना। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, इज 45 देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज, लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल रहा है उसने, बोला है रिलैक्स्ड आई मतलब इमेज कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, एम इनफाइनाइट की बात हो रही है यहां पे, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया है, कोई वी की वैल्यू नहीं दी है, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। आपको अभी जो मैंने एल इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला बताया था ना वो आपको करना है, ओके। चलिए एवरीवन डू इट एंड वंस यू आर डन लेट मी नो। ओके प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का सी आ रहा है, सनाया इज ऑल्सो गेटिंग सी, बहुत बढ़िया। ओके अर्जुन इज गेटिंग बी, बसरुल इज गेटिंग ए, सनाया इज गेटिंग सी, यस। रंजन इज ऑल्सो गेटिंग सी, खुशी इज गेटिंग सी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, है ना, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कितने लोगों ने सही किया है। सी मतलब 15 कह रहे हैं आप लोग, और क्या बात है, बहुत बढ़िया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आप लोगों ने उड़ा दिया है, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। कुछ भी नहीं था वैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन उसके पीछे कहानी है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले जो बात लिखी थी इस क्वेश्चन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि रिलैक्स्ड आई का सिचुएशन गिवन है, यानी कि एम इनफाइनाइट चाहिए। दूसरी चीज, वी का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यू का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता इसको, है ना, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर सकता मैं। तो आई कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला ऑफ माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई, नहीं यूज कर सकते उसको। हम नॉर्मल बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपके सर ने आपको अभी अभी बताया था, दैट इज एल इंफिनिटी माइनस एफ ओ माइनस एफ ई डी अपॉन एफ ओ एफ ई, सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको L निकालना था। मैग्निफिकेशन 45 गिवन है, FO आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, FE आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, D की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए 25, FO FE से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, है ना, मजा आया क्वेश्चन करके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना। जनरली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं लेकिन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि नीट में थोड़ा पूछते हैं इससे, है ना, क्वेश्चन आते हैं इससे। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, कम ऑन एवरीवन ट्राई दिस। सो इफ द फोकल लेंथ स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड्स आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा रंजना, हम लोग स्प्रिंट शुरू करने वाले हैं, है ना, बोर्ड्स के लिए। सो इन दैट स्प्रिंट ऑब्वियसली विल बी टेलिंग यू अबाउट स्ट्रेटजीज ऑफ बोर्ड, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली एंड द ऑब्जेक्ट इज पुट 1.25 सेंटीमीटर अवे, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि यू ओ गिवन है। बच्चों इस केस में आप वी ओ निकाल सकते हैं, कंपेयर करके देख लीजिएगा, क्या पता वी ओ अपॉन एफ ओ ग्रेटर देन वन आ जाए, है ना। अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर होती है तो हम जनरली ले लेते हैं उसको, ठीक है। अगर ये वैल्यू 5 के ऊपर आती है तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है, यस। चलिए एवरीवन ट्राई दिस, ओके। डी आ रहा है क्या आंसर? ओके डी यानी कि 400 यू आर सेइंग, अच्छा ओके देखते हैं क्या आंसर है, कम ऑन एवरीवन गिव द आंसर। सिद्धार्थ इज सेइंग बी,
Okay, Basarul is saying D, Sanaya is saying D, Prabhat is saying D, Ranjan is saying B. Achha, theek hai, Pratiksha ka B aa raha hai. Okay. अच्छा गाइस, आई हैव अ स्पेशल गेस्ट फॉर यू टुडे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा. तो आज आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट है. वैसे आप शायद उनसे मिल चुके हैं एक बार. एनी गेसेस, किन की बात कर रहा हूं मैं? वैसे एक स्पेशल गेस्ट है आप सभी के लिए. यस, एनी गेस, कम ऑन. वाणी मैम? नहीं, इस बार वाणी मैम नहीं है. यस, एनी गेस, वो आपको बायो पढ़ाने वाली. एग्जैक्टली राइट गेस, ऋत्विक गरिमा मैम. कम ऑन मैम, प्लीज, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं. यस, बहुत सारे बच्चों ने सही गेस किया है, क्या बात है, यू गाइस आर इंटेलिजेंट. यस, वेलकम मैम. तो आज से 4 बजे मैम का सेशन होगा, ठीक है. यस, क्लैप्स फॉर हर एंड मैम. यस, ओवर टू यू. ओके, हेलो एवरीवन. सो आई बी टेकिंग बायो मॉलिक्यूल्स टूडे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो सिर्फ काम की बात होगी सेशन में. सो कौन कौन आने वाला है? Say yes. I want to see lot of yes. Sabko aana hai at 4 p.m. today for biomolecules. Come on, say yes. More yes I want. Awesome response. Yay! So I'm going to see you guys. Be active. थैंक यू सो मच. ऑसम, या थैंक यू मैम. तो हमारी टीम देखो बच्चों बहुत बड़ी हो चुकी है अब, राइट, एंड वी आर कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर यू. सारे सब्जेक्ट्स में हम बहुत सारी क्लासेस लेने वाले हैं, स्प्रिंट भी आने वाला है आपका, और मैम भी अब आ गई हैं बायो के लिए. वेलकम मैम. और यस, सो एवरीवन 4 p.m. याद रखना, ठीक है, जस्ट आफ्टर माई क्लास. थोड़ा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, आई लीव यू बाई 3:50 और फिर मैम के साथ. टाइम इज 4 p.m. ओके, या ओके मैम, थैंक यू. चलो बच्चों, अब टेल मी द आंसर. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बाय द वे, कई सारे बच्चों ने बी बोला था, राइट. चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. एंड बी इज करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बी इज द करेक्ट आंसर एंड 200 इसका आंसर आएगा. देखो यहां पे आप अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज द अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला. क्यों यूज कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं. देखो, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, राइट. तो आप सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये फॉर्मूला जो आपको बचपन से पता है, 1/f = 1/v - 1/u, यूज करिए. और आप सबसे पहले निकाल लीजिए v यहां से. तो v जब आप निकालेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, u आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है. आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है ना, मैंने आपको बहुत ढंग से सिखाया है साइन कन्वेंशन कैसे लेना होता है. तो ये आपका लेंस, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट, इधर जा रही है रेस, तो आप राइट की तरफ लोगे इसे पॉजिटिव, और यू क्योंकि पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा उसे, करेक्ट. तो ये नेगेटिव हो गया, यू नेगेटिव हो गया, पुट करिए, वी की वैल्यू लेके आइए यहां से, 30 सेंटीमीटर इज विल बी द आंसर. उसके बाद जब आप कंपेयर करेंगे वी नॉट अपॉन एफ नॉट को, तो ये ग्रेटर देन वन आएगा, है ना, ये काफी ग्रेटर देन वन आएगा, 30/1.2. इसलिए आप ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज कर लेना बच्चों. यहां पे लिखा है मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, तो अगर आप माइनस साइन यहां पे नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा. और आंसर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है L/FO (d/FE). ये लीजिए, सिंपल, मैग्निफिकेशन विल बी 200. चलो बताओ एवरीवन, क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की? बिल्कुल मजाक में मत लेना इस टॉपिक को, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में काफी फ्रीक्वेंटली. क्या सबको समझ में आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप? यस. क्या आपसे क्वेश्चंस हुए हैं? ऑब्वियसली आपसे हुए हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, एंड इट वॉज एन ऑसम कंसेप्ट जो हमने फिनिश कर लिया. तो एक भी हम चांस नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला में आपको. फिजिक्स में मैं हर चीज देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, है ना. नाउ क्वेश्चन सॉल्विंग इज कंप्लीटली ऑन टू यू, राइट. आप पे डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कंसेप्ट प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके, ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. हाय स्वप्निल, अरे दुखी हो गया स्वप्निल, नाम नहीं लिया. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना. नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा. यहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है,
और इसका छोटा होता है आई पीस का, तो ये चीज उल्टी हो गई है ना। दुखी हो गई, मैंने दुखी हो गया बोला था, हो गई बोला था क्या? सॉरी स्वप्निल। अच्छा स्वप्निल इज ओके सॉरी माय बैड स्वप्निल, ठीक है हाँ हो गई। ओके कई बार समझ में नहीं आता नाम देख के, है ना, इट हैपन्स विथ मी अलॉट, बट ठीक है। चलिए अब इसको देखिए एक बार ध्यान से। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ू है और आई पीस लेंस यहाँ पे छोटू है। अब ऑब्वियसली आप टेलीस्कोप से वो ऑनियन पील का एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, है ना, आप तो देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज को जो बहुत दूर हैं, जो आप इनफाइनाइट मान सकते हैं उनका डिस्टेंस। तो जब इतनी दूर से कोई चीज़ आती है ट्रैवल करके, तो जब रेज आती हैं वहाँ से तो पैरेलल हो जाती हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो फिर वहाँ से रेज पैरेलल आती हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव में जो रेज आ रही है बच्चों, वो सब पैरेलल हैं, है ना। अब थोड़ा सा याद करो, जब कोई पैरेलल सेट ऑफ रे फॉल होता है किसी लेंस पे, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होता है बताइए? जब कोई पैरेलल सेट ऑफ रे आती है लेंस पे तो कहाँ पे कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन? फोकस पे, है ना। फोकस करिए, फोकस वाला टॉपिक है, फटाफट फोकस करिए, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो देखो पैरेलल सेट ऑफ रे फोकस हो गई है, तुम लोग फोकस नहीं कर पा रहे, तुम लोग रे से बेटर हो ना, हाँ, तो ये फोकस हो गई। देखो तो यहां पे फोकस हो गई वो कहां पे? ओके वन सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से इसको कर लेते हैं। तो यहां पे देखो एफ ओ पे वो फोकस हो गया, ठीक है। अब अगर यहीं पे एफ ई भी होगा तो इमेज बन जाएगी इनफाइनाइट पे। वो सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझा दूंगा। यहां से रेज ऐसे आई, यहां पे फोकस हो गई, अब ये इस पे गिरेगी और फिर आइस को जाएगी। दो केसेस फिर से पॉसिबल है, देखो रे डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने देखा था माइक्रोस्कोप में। दो केसेस पॉसिबल है, बताओ कौन कौन से? इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज फॉर्मेशन एट डी यानी कि मतलब वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, है ना। तो ये डायग्राम है और ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला याद रखिए काम हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला है ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला है एट डी का, ठीक है। तो वही है 6-7 फॉर्मूले हैं टोटल पूरे माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में। अगर आप वो 6-7 फॉर्मूले याद रखेंगे आपको 5-10 मार्क्स का फायदा हो सकता है, क्योंकि कई बार 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से, है ना। तो इसलिए काफी फायदे का सौदा है, बिल्कुल याद रख लेना फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और डी पे होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, शैल आई मूव अहेड, क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन एवरीवन। और अच्छी बात यह है कि आज हमारा ये खत्म हो जाएगा, हाँ उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्रतीक्षा वैसे तो, बट रिजॉल्विंग पावर का मतलब सिंपल होता है कि कितनी आसानी से 2 पॉइंट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएगा आपका माइक्रोस्कोप, है ना। तो कई बार माइक्रोस्कोप दोनों पॉइंट्स को मर्ज करा देता है, तो दैट मीन्स कि रिजॉल्व पावर कम है। ओके चलिए ये क्वेश्चन करिए एवरीवन, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर रेस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, पहला केस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दूसरा केस है इनफाइनाइट, टेल द मैग्नीफाइंग पावर इन बोथ द केसेस। तो पहले आपको बताना है डी पे अगर इमेज फॉर्म हो तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, दूसरा आपको बताना है अगर इंफिनिटी पे फॉर्म हो तो कितना होगा। कम ऑन एवरीवन, टेल मी द आंसर ऑल ऑफ यू, यस कम ऑन। ओके राज नंदनीत सिंह बी, गरिमा सिंह इट्स बी, ओके राकेश कह रहे हैं सी होगा, आलिशा इज सिंह इट्स बी ओनली, ओके 2 सेंटीमीटर है ये, यहां पे एक मिस्टेक है, दिस इज 2 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है इसका आप सुधार लीजिएगा। पेन रुक गया क्या तानिया? अच्छा 5 होगा या 500 होगा, नहीं ये 2 सेंटीमीटर होगा मेरे ख्याल से, और ये क्योंकि 2 मीटर का फोकल लेंथ मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा वैसे तो, है ना, देखते हैं वैसे। चलिए क्या आंसर आ रहा है आपका, ए आ रहा है क्या? अच्छा एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं, तो नहीं वो 2 मीटर ही होगा आई थिंक, है ना, वो 2 मीटर ही होगा बच्चों, उसको 200 ले सकते हैं आप, ठीक है ये आप 200 सेंटीमीटर ले सकते हैं इसको, ये 2 मीटर ही है। ओके okay?
तो दिस विल बी 200 एंड दिस विल बी 5, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट माइक्रोस्कोप, है ना, तो ये टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है. नहीं आ रहा क्या? चलिए, ए बहुत सारे बच्चों ने बोला है, ए इज द करेक्ट आंसर. क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑसम एवरीवन, नाइस. आपने टेलीस्कोप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, कुछ भी नहीं था, ऑब्जेक्टिव का 200 था, दैट इज 2 मीटर को 200 लिख सकते हैं, है ना. अब अगर आप डी पे निकालेंगे, लीस्ट डिस्टेंस वाले पे, तो फॉर्मूला ये है, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 200 अपॉन 5, 1 प्लस 5 अपॉन 25, खत्म. ठीक है, -48 आंसर आ जाएगा. और अगर आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाले पे निकालेंगे तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, 200 अपॉन 5, 40, खत्म. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करिए तो आपका आंसर आ जाएगा. चलो एवरीवन, सो दिस इज हाउ फाइनली वी हैव फिनिश्ड द रे ऑप्टिक्स, है ना. तो क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू. टाइम लगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने एक एक कॉर्नर इसका कवर कर लिया है, सब कुछ कवर किया है. अब आपका जॉब बस ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, डे आफ्टर टुमारो हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, है ना. अब जो चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स का वो इतना बड़ा नहीं होगा जैसे कि ऑप्टिक्स था, ऑप्टिक्स काफी लंबे टाइम तक चला है. वेव ऑप्टिक्स में आपको 4 या 5 सेशन मैक्सिमम लगने वाले हैं, उसके बाद हम कर लेंगे मॉडर्न फिजिक्स, सिलेबस हो जाएगा आपका फिनिश, है ना. चलिए, और जल्दी ही हम आपके लिए स्प्रिंट भी लेके आने वाले हैं, तो उसका भी जल्दी से हम अनाउंसमेंट कर देंगे डेट्स का. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ये जो आपको चैनल यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट स्टिक टू इट और सब्सक्राइब करके रखो इसे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, सो दैट एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड. एंड सीरियसली, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ये हिट करना मत भूलना इस बटन को, है ना. दैट मीन्स अलॉट टू अस. चलिए एवरीवन, सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ. हम जल्दी ही मिलते हैं अनदर सेशन ऑफ 12th में, और कल होगा 11th में सरफेस टेंशन. तो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून. इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू. बाय बाय.